फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका रिफ़ंड रिजेक्ट हुआ है फॉर अ रीज़न कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है और इसीलिए रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हुआ है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, तो उसके लिए आप कैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना री इशुएंस की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। फिर उसके बाद हम सीधा चलते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आपके पास एक ऑप्शन है व्यू आईडिया स्टेटस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आईडिया स्टेटस में लिखा है रिफंड फेल्ड, टू नो द रीज़न ऑफ रिफंड फेलियर क्लिक हियर। हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे को दिखाएगा कि असेसमेंट ईयर 24-25 का जो हमारा रिफंड इशू है वो क्या है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे रिफंड पेमेंट फेल्ड ऑन जुलाई 18, 2024, सक्सेसफुली ई वेरीफाई हमने करी थी 17th को और रिफ़ंड प्रोसेस हो गया था नेक्स्ट डे 18th ऑफ जुलाई को, और आज है 7th ऑफ अगस्त। जुलाई 18th को रिफ़ंड पेमेंट हमारी क्यों फेल हुई थी, इसको जानने के लिए व्यू डिटेल्स करेंगे। सबसे ऊपर आएँ, स्क्रॉल अप करें, रिफ़ंड पेमेंट फेल्ड, डेट ऑफ फेलियर 18th जुलाई, रीज़न फॉर फेलियर देयर इज़ नो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट अवेलेबल। हमने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करते वक्त चाहे एक अकाउंट डाला है चाहे पांच अकाउंट डाले हैं, हमने रिफ़ंड पर्पस के लिए करना क्या है, हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो प्रोफाइल सेक्शन है, अभी हम सीधा पहले वहीं चलते हैं। आप यहाँ पे माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। माय प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे बैंक अकाउंट, माय बैंक अकाउंट पे हमने क्लिक करना है। माय बैंक अकाउंट में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल इस असेसी का एक बैंक अकाउंट है जो कि वैलिडेटेड है, हालांकि इसका जो फ़ोन नंबर है वो अपडेटेड नहीं है। यहाँ पर तीन कॉलम्स हैं, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करेंगे तो ये सबसे पहला वाला जो हमारा टैब है एडिट बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड, यहाँ पे हमने उसे क्लिक करना है। अगर कोई बैंक अकाउंट वैलिडेशन में फ़ेल होता है तो वो आ जाएगा हमारे सेकंड टैब में, और अगर कोई आपने रिमूव किया है तो रिमूव बैंक अकाउंट। अगर कोई अकाउंट आपका क्लोज हो गया है या कोई भी रीज़न था जिस वजह से आप अपना बैंक अकाउंट रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं। फेल्ड होगा तो वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपको फिर उसे वैलिडेट करना है। वैलिडेट होने के बाद वो एडिट बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट्स वो आपको दिखा सकता है। अब हमने करना क्या है, कोई भी एक बैंक अकाउंट उसको हम करेंगे नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड। ये प्रोसेस हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर अगर आपने ओके भी किया है तब भी ये एक एडिशनल स्टेप है जो आपको करना है। प्रोफाइल सेक्शन में अपना बैंक अकाउंट की डिटेल को वैलिडेट ज़रूर करें। अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो किसी एक अकाउंट को नॉमिनेट करना ना भूलें, नहीं तो आपका रिफ़ंड लेट आ सकता है। और हम अब हमारा जो रिफ़ंड लेट आ रहा है वो उसका रीज़न यही था कि बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ था, जो कि अब हमने कर दिया है। अब दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न को हम प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट में नहीं डालेंगे। जो रिफ़ंड हमारा प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी और जिसकी NEFT या RTGS हमारी फ़ेल हो चुकी है, सिर्फ उस पेमेंट को हम फिर से री इनिशिएट करेंगे, उसको हम कहते हैं री इशुएंस ऑफ रिफ़ंड अकाउंट। व्यू IDR स्टेटस, देन क्लिक हियर टू नो द रीज़न। अब हम सीधा चलते हैं हमारी व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स में सबसे पहले रिफ़ंड स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। रिफ़ंड स्टेटस फॉर दिस पैन नंबर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। इट सेज नो रिकॉर्ड फाउंड, डेट ऑफ स्टेटस, अभी तक इसका कोई स्टेटस अपडेट नहीं है क्योंकि रिफ़ंड को फेल जो ट्रांजेक्शन्स थी वो अभी फेल हो गई है, तो अभी तक कोई स्टेटस नहीं आया है। बैक करेंगे,
फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, व्यू आइडिया स्टेटस, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर के बाद व्यू डिटेल्स में जाएंगे। व्यू डिटेल्स के बाद अब हम इसको थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सबमिट रिफंड री इशू। सबमिट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपने टिक करना है, कंफर्म करेंगे। असेसमेंट ईयर और पैन नंबर, कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर और फेलियर का रीज़न उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो बैंक अकाउंट हमारा एडिट बैंक्स में दिखा रहा था, HDFC का बैंक अकाउंट, वो अब इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है फॉर द रिफंड पर्पस। इसी तरीके से आपको अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो नॉमिनेट करना उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को ना भूलें। यहाँ पे अब आपने अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के साथ ही साथ आप ये दो बातें ज़रूर चेक कर लें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों ही अपने प्रोफाइल सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपडेट रहें। साल के दौरान भी अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो हमारे को इसको इन बिटवीन द ईयर भी इसको अपडेट करना चाहिए। अब प्रोसीड टू वेरीफिकेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ई वेरीफाई के लिए आपके पास वही सारे ऑप्शंस हैं, आप ई वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग आधार, OTP, DSC, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, DMAT। अब यहाँ पे हम करेंगे OTP का आधार ई वेरीफिकेशन, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। अब यहाँ पे हम OTP ले लेंगे। अब फ्रेंड्स OTP एंटर करने के बाद आप इसे वैलिडेट कर देंगे। अब वैलिडेट के बाद अब आपको एक सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि मेरा रिफ़ंड का स्टेटस क्या है, व्यू रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देंगे। रिफ़ंड री इशू, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इस फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 का 7th ऑफ अगस्त को हमने फिर से री इश्योरेंस की सबमिट रिक्वेस्ट करी है। अब ये जैसे ही प्रोसेस होगा, आपके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट, प्लीज़ नोट दैट द रिफंड विल बी क्रेडिटेड ओनली टू पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के कॉन्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सजेशन या फीडबैक है, फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।